आज विश्व प्रसिद्ध माँ कामाख्या धाम जो शक्तिपीठ है, विशेष पूजा अर्चना और इस महायज्ञ का आयोजन साधु संतों श्रद्धालुओं द्वारा बांग्लादेश के पीड़ित जो हिंदू प्रजाएं हैं उनको शक्ति देने के लिए और उनके रक्षा के लिए किया गया। जो वहां के राजनीतिक अस्थिरता के कारण दंगे हुए और उसमें हमारे हिंदू लोग मारे गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ विशेष प्रार्थना की गई है और यज्ञ के द्वारा भगवान से प्रार्थना की गई है उनको मुक्ति के लिए। जो आहत लोग हैं, जिनके घर जला दिए गए हैं, मठ मंदिर तोड़ दिए गए हैं, वो सब सुरक्षित रहें और उन्हें फिर से बनाया जाए, ये मांग हम वहाँ के कार्यकारी जो सरकार है उससे करते हैं और वहाँ के कार्यकारी सरकार के जो मुखिया हैं वो ढाकेश्वरी मंदिर गए, इससे वहाँ के हिंदुओं में कुछ संबल आया है लेकिन विश्वास ज़्यादा टूटा है और वहाँ गांव-गांव तक विश्वास बहाली करना पड़ेगा और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो भी अराजक तत्व तो हैं वो दोबारा इस तरह की हरकतें न कर सकें, इसके लिए उन पर कड़ी नजर रखनी होगी और बांग्लादेश सरकार को उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। बांग्लादेश की हिंदू बिरादरी से हम कहना चाहेंगे कि उनके कष्ट में पूरे दुनिया का सनातन हिंदू समाज खड़ा है चट्टान की तरह और उनको हौसला रखने की जरूरत है, वो एकजुट होकर के रहें और अपने देश के विधान के तहत अपने धर्म की रक्षा के लिए और अपने भूमि के सम्मान के लिए धर्म की रक्षा के लिए एक होकर के संघर्ष करें। हम भारत सरकार से कहना चाहेंगे, हमारा प्रधानमंत्री जी जो विश्व का सर्वोच्च नेताओं में से एक है, उनकी नीतियों पर हम दुनिया में फैले हुए हिंदुओं को भरोसा है और उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आज बांग्लादेश की जो स्थिति है उसके लिए वहां के अल्पसंख्यकों खासकर हिंदू समुदाय के लिए वो जितना कर सकते हैं, एक सीमा से ज्यादा जाकर भी करना पड़े तो उसको करें। विश्व बिरादरी के उन ताकतवर देशों को मैं ये चेताना चाहता हूं जो अपने आप को ताकतवर मानते हैं लेकिन बड़ा होने का फर्ज नहीं निभाते। दक्षिण एशिया में जो अशांति फैलाई जा रही है ये उन्हीं तत्वों की करामात है जो तरह तरह के अशांति राजनीतिक शांति के रूप में आ रही है। तख्ता पलट होते हैं, एक शासक जाता है, व्यवस्थाएं भंग होती हैं, फिर दूसरी व्यवस्था आती है। पूरे देश का भ्रमण किए हैं 15-20 जिलों में और वहां के सनातनियों ने चढ़ बढ़ करके स्वागत किया है, बल्कि वहां की सभी बिरादरी ने स्वागत किया है। हम इस बात पर हतप्रभ हैं कि बांग्लादेश की जो संस्कृति है जो वास्तविक संस्कृति है इस तरह की नहीं है, तो ये ऐसा करके बांग्लादेश की संस्कृति और बंगालियों के आत्मसम्मान को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो जो कुछ हो। इसलिए बांग्लादेश की कार्यकारी सरकार को और वहां के आवाम को ये पहचान करनी पड़ेगी कि वो कौन से नालायक तत्व हैं जो कि उनकी हरकतों के कारण आज बांग्लादेश शर्मसार हो रहा है। ये भगवान आदि शंकराचार्य ने चार मठ स्थापित किए हैं अखंड भारत की रक्षा के लिए, चारों मठों को अलग अलग क्षेत्र की धार्मिक जिम्मेदारी दी है। हमारा गोवर्धन मठ जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित है उनके धर्म रक्षा क्षेत्र में अंग बंग कलिंग मगध बर्बर असम कुर्रर, इसमें आज का बिहार बंगाल उड़ीसा पूरा नॉर्थ ईस्ट भूटान नेपाल का कुछ हिस्सा पूरा बांग्लादेश, ये हमारा धर्म शासित क्षेत्र है और वहाँ के हिंदुओं पर हमें गर्व है कि आजादी के बाद और बंटवारे के बाद तरह तरह के उनके ऊपर जुल्म हुए हैं और तरह तरह के बुरे स्थितियों का सामना उन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने धर्मस्थलों की रक्षा की है, अपने धार्मिक विधि विधान की रक्षा की है। वो ईश्वर पर भरोसा रखे, उन ईश्वरीय शक्ति ईश्वरीय सत्ता भी एक बड़ी सत्ता होती है, वो भी उनके रक्षा के लिए तत्पर है और इसी हेतु आज यहाँ स्वयं माँ कामाख्या के धाम में पूजा अर्चना की गई है साधु संतों के द्वारा विद्वानों द्वारा और ये महायज्ञ किया गया है ताकि उनको और शक्ति प्राप्त हो। कामाख्या देवालय मंदिर शंकराचार्य अध्यक्ष नानजी महाराज देवप्रीत मथुरा मठर
তেখেতে আহি ইয়াত কামাখ্যা মার আগত একটা হবন যজ্ঞ করে তেখেতে আগন্তুক এই বিগত দিনত বাংলাদেশত যে আমার পরিস্থিতি হয়েছিল আর বিশেষকে আমার হিন্দু সেই বাংলাদেশত হিন্দু সংখ্যালঘু আমার ভাতৃ সকল বন্ধু সকলের যে অবস্থা তার কারণে ঈশ্বর আগত প্রার্থনা করেছে আর লগতে তেখেতে ভারত সরকারক আহ্বান জানাইছে যে কেনেকে তেখেত সকলে চেষ্টা করিলে বাংলাদেশত হেঁচা প্রয়োগ করলে বা ইউনাইটেড নেশনতো তেখেতে হেঁচা প্রয়োগ করবলে চেষ্টা এটা দিবলে দিছে যে আগন্তুক দিনত কেনেকে শান্তি স্থাপন করব পৰা যায়। আমার কারণে একটা সুখবর যে তেখেতৰ নিচিনা এজন ডাঙর শঙ্করাচার্য আমার আদি গুরু শঙ্করাচার্য যোনে তেখেতক স্থাপিত করে গৈছিল তেখেতে আহি পেলে আমার কামাখ্যা মন্দিরত আহি এনেকুৱা হবন যজ্ঞ করেছে বিশ্ব শান্তির কারণে বাংলাদেশের শান্তির কারণে হিন্দু ধর্মীয় সকল একতার কারণে তো আমার কারণে সকলের সুখবর। আজি মই আশা করছো ঈশ্বরে এইখিনি কথা তেখেতে ঈশ্বরে শুনিব আর আগন্তুক দিনত বাংলাদেশত যেন স্থায়ী শান্তি ঘুরি আহে তাকে কামনা করবো।